देखो संघर्ष तो करना पड़ता है जिंदगी में मेरे भाई। देखो पत्थरों के बाद रेत की बारी। अरे कुआं है इधर, खाई है। जिसको लद्दाख जाना पसंद नहीं है तो वो यहाँ आ सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कपिल जोशी व्लॉग्स में। तो कल के वीडियो में आपने देखा कि हेड़ा खान से हम घर को आ गए थे, तो आज आपको दिखाएंगे प्योर ऑफ रोडिंग। नदी के पास पहुँचने वाले हैं, तो अब दिखाते हैं आपको कि कैसा होता है नदी के पास जाके। और रोड आप देख सकते हो, रोड की तो क्या ही कहूँ, मज़ा ही आ गया है रोड में आके। ये वाली जो जिंदगी भर की ऑफ रोडिंग की कसर थी ना, वो आज अकेले दिन में पूरी हो गई है। कितनी ख़तरनाक ऑफ रोडिंग कर ली यहाँ को आप। यहाँ पर आपको रोड के नाम पे सिर्फ रोड़े मिलेंगे नदी वाले, वो भी बड़े बड़े पत्थर। अभी दिखाता हूँ, रुको। ओए जा, ना ना जा, बैठो बैठो बैठो, जहाँ उतरना होगा मैं बोल दूंगा, टेंशन मत लो। अभी नदी में उतरना ही है, तब तक बैठ लो। क्यों, सही बोला ना मेरे भाई। गाइज रोड देखो, रोड, इस रोड के तो हम दीवाने हो गए। भगवान करे ऐसी रोड किसी को ना मिले दोबारा। आप देख सकते हो भाई, टेम्परेरी रोड बना रखी है। और रोड भी ऐसी, क्या बताऊँ यार, शब्द ही नहीं है। देखो संघर्ष तो करना पड़ता है ज़िंदगी में मेरे भाई। नहीं तो ऐसी मस्त मस्त लोकेशन कैसे मिलेंगी। तो गाइज आपको वीडियो में उतना दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये पत्थर ऐसे हैं ना, क्या बताऊँ, वाट लगी पड़ी है। और ऑफ रोड देखोगे, पीछे डूंगर भाई की भी छिली पड़ी है। डूंगर भाई रास्ता कहाँ से है, रोटी रोड, डामर पड़ने वाला है नदी में। तो गाइज नदी में डामर पड़ने वाला है, अभी देखोगे नदी कैसी है। तो गाइस देखो पत्थरों के बाद रेत की बारी। रेत भी आ गई है, और यही रेत मकान बनाने में यूज भी होती है। यही रेगिस्तान में होती है, यही रेगिस्तान में भी होती है। रेगिस्तान में ये वाली नहीं होती ना, वो अलग टाइप की रेत होती है। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं नदी में। एक जगह पे तो पुल बना रखा है इन लोगों ने, पता नहीं बाकी जगह पे क्यों नहीं बना रखा है, समझ में नहीं आया मेरे। तो गाइस देखो पानी कैसे निकल रहा है, इतना पानी तो यही है, इसके बाद पता नहीं आएगा कितना और है। तो गाइस गाड़ी को चलाते बीचों बीच में, क्योंकि इधर कुआं है, इधर कुआं है, इधर खाई है। बीच में चलने हमको, बीच में रहने। अब तुम चलो यहाँ से पैदल, जूते हाथ में पकड़ के ले जाने। नहीं ना, अपने पकड़ो, अपने भी रोना की नहीं तो भीग जाएंगे। अरे भीगने दो दादी, चलो चलो आराम से, सिंगल सिंगल ले जाओ, आराम से जाना। जूते तो खोलने पड़ेंगे, हम तो भीग रखे पहले से ही। तो ये देखो गाइज क्या हो रहा है यहाँ।
ये डूंगर भाई हमारी वीडियो बना रहे हैं। अभी तो पानी कम लग रहा है फिर भी। तो गाइज जिसको लद्दाख जाना पसंद नहीं है तो वो यहाँ आ सकते हैं, जिनको मतलब लद्दाख दूर पड़ रहा है। ये देखो गाइज पैर देखो, पैर कहाँ पहुँचे हैं, पूरे पानी के अंदर। और डूंगर भाई हमारे वीडियो बना रहे हैं और गाड़ी बंद। ओए होए जूते के अंदर पूरी बजरी। तो गाइस इधर देखो, ये पूरे पांव जमीन में है, ये गाड़ी की कंडीशन देखो। फिर भी गाड़ी साथ दे रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और नदी में पानी देखो कितना हो रहा है। और देखो गाइस एक गाड़ी सामने रुकी है वो, और जूम करके दिखाओ। ये देखो गाइस फिर से चल रहे हैं। ये देखो ये देखो क्या रोड है बाबा, क्या रोड है, मज़ा आ गया। और ये सामने देख सकते हो ये है नज़ारा यहाँ का। और ये डूंगर भाई आ रहे हैं हमारे, कसम से आज का दिन ज़िंदगी भर याद रहेगा। ज़िंदगी की पहली ऑफ रोडिंग करी इतनी तगड़ी मैंने, नहीं तो आज तक तो हम एकदम प्लेन रोडों में गाड़ी चला देते। लेकिन आज पता चला कि ऑफ रोडिंग का क्या मज़ा है। मज़ा भी है और सजा भी है, दोनों है। सजा इसलिए क्योंकि हमारी गाड़ी कम्फर्टेबल नहीं है ऑफ रोडिंग के हिसाब से, तो हमारी वाट लगी पड़ी है। लेकिन मज़ा जो आया लोकेशन देख के, वहाँ मंदिर का व्यू देख के, कसम से दिन बन गया पूरा अपना। तो गाइज भगवान की कृपा से हम फिर से मेन रोड में आ चुके हैं। ब्रेक लगा, ब्रेक लगा, ब्रेक लगा ये वाला। ओहो कैसे रपटा दी, पत्थर में लगी ना इधर पे, लगी तो नहीं थी। आगे जाके देखते हैं, ऐसा हुआ था। तो गाइज पूरी रोड क्रॉस करने के बाद लास्ट टाइम हम छिटक गए। तुम्हें तो नहीं लगी ना, दो की स्पीड में गिरे थे। फाइनली गाइज पहुंच चुके हैं ना, एक बार छिटकने के बाद, ऐसी तैसी कराने के बाद, और इतना जूता भिगाने के बाद, और पैरों में लग रहा है ठंडा, वो भी तगड़ा वाला। पूरी रोड में कहीं नहीं गिरे, यहाँ पर आगे गिरे।
वही तो कह रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं गिरे, पूरी रोड क्रॉस कर दी ऑफ रोडिंग, फिर नहीं गिरे, लास्ट में जहाँ पे मेन रोड में जुड़ते हैं वहाँ पर गिरे हैं, इसे कहते हैं किस्मत। चलो भगवान का शुक्र है, भयंकर जहाँ गिरना था वहाँ नहीं गिरे, बच गए। यहाँ से चलता है गाइस, छोटा कैलाश द्वार क्रॉस करके हम मेन हाईवे पे पहुँच चुके। अब देखो रोड कहाँ से आए थे और कहाँ पहुँच गए। ये कहते हैं बाबा सबका दिन आता है, मेहनत करते रहो। फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं काठगोदाम, और काठगोदाम से निकल रहे हैं सीधे रुद्रपुर के लिए, क्योंकि शाम का टाइम है और ठंडा बहुत हो रहा है, पैर वैसे ही ढीले हो रखे हैं तो बहुत ठंडा लग रहा है। तो आपको सीधे मिलते हैं रुद्रपुर, और वो भी खाना खाते हुए मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, सुबह से खाना नहीं खाया हमने। फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं घर, और आपको सीधे मिलते हैं अब कल को। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।